अगर आप डाइटिंग पे हैं और आपका मीठा खाने का मन है तो आप ये ओट्स वाली खीर बना के खाइए। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत टेस्टी है और एकदम ये 5 मिनट में बन जाती है। और इसको बनाना बहुत इजी है क्योंकि ये ओट्स से बनी है, इसके अंदर फाइबर है और हमने इसके अंदर चीनी भी नहीं डाली है, तो ये और भी हेल्दी बन गई है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 4 से 5 चम्मच हमने ओट्स लिए हैं और हमने 1.5 कप टोंड का दूध लिया है, 2 चम्मच हमने मिश्री का पाउडर लिया है, हमने चीनी नहीं डाली है, मिश्री का पाउडर लिया है और थोड़े से बादाम लिए। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ओट्स डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर 25 से 30 सेकंड के लिए हम इसको लाइट ब्राउन होने देंगे। इसमें थोड़ी खुशबू आने लगेगी, फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको डार्क कलर नहीं करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है और हमारा ये अच्छे से कुक हो जाएगा। ये देखिए ये लाइट ब्राउन हो गया। अब फ्लेम को हम एकदम सिम कर देंगे और इसमें हम अपना 1.5 कप दूध डालेंगे। दूध हमने टोंड का लिया है, आप चाहे तो फुल क्रीम का ले सकते हैं, क्योंकि हम एक हेल्दी और वेट लॉस रेसिपी बना रहे हैं इसलिए हमने टोंड का दूध लिया है। अब सिम फ्लेम पे हमें ये कुक करनी है, 3 से 4 मिनट तक हमने ये कुक करनी है और इसे थोड़ा चलाते रहेंगे और इसको हमें 2 मिनट के लिए ढक के रखना है सिम फ्लेम पर। देखिए 2 मिनट में हमारे ये ओट्स अच्छे से गल जाएंगे। ये देखिए ओट्स अच्छे से गल गए हैं और खीर भी हमारी गाढ़ी हो गई है। और ये देखिए हमारी खीर बन के एकदम रेडी है। अब हम अपने इसमें 2 चम्मच मिश्री का पाउडर डाल देंगे। आप मीठा अपने हिसाब से डाल लीजिए, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि मिश्री हेल्दी होती है इसलिए हमने मिश्री का पाउडर लिया है। मिश्री आप धागे वाले लाइएगा, धागे वाली एकदम हेल्दी मिश्री होती है। ये देखिए हमारी खीर बन के एकदम रेडी है। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में डालेंगे। और ये देखिए हमारी ओट्स की खीर बन के एकदम रेडी है। अब इसको हम गार्निश के लिए हम बादाम को थोड़ा क्रश कर लेंगे जब भी आपका मीठा खाने का मन हो आप ये खीर बना के आराम से खा सकते हैं और ये 5 मिनट में बन जाती है। चाहे तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारी खीर एकदम खाने के लिए तैयार है। ये पास से देखिए और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हो, तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये 5 मिनट में आसानी से बन जाती है, कोई भी इसको बना सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।